सुहानी शाम की राम राम सभी को। और आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। बहुत दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बिजी भी थी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी भी खांसी जुकाम, बीच में दिवाली आ गई, उसके बाद पोल्यूशन से बहुत बुरा हालत हो गया। चलो वो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन आज हम खाएंगे बैंगन का भरता। तो बैंगन के भरते के लिए मैंने क्या है, सबसे पहले बैंगन को थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के और इसको चिकना कर लिया है, क्योंकि उससे इसका छिलका बहुत जल्दी उतर जाएगा। और बीच में कट लगा के हरी मिर्च और लहसुन की 5-6 कलियाँ इसमें दबा दी हैं, तो ये इसके साथ साथ ही फ्राई हो जाएगी। और हम ऐसे घुमाते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं अंदर तक कि ये पक जाए। तो हमें वेट करते हैं, 2-3 मिनट इसको लगेंगे। तो इसको हम घुमा घुमा के और पका लेती हूँ मैं इसको। और गैस की बात करें तो ये मीडियम टू लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे हम कर देंगे तो बीच में से कच्चा रह जाएगा और बढ़ता फिर अच्छा सा नहीं बनेगा, टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसको सिम आंच पे धीरे धीरे हमने घुमाते हुए पका लेना है। ये देखिए इसमें से धुआं सा निकलने लगा है। ये मेरा ऑर्गेनिक बैंगन है, मतलब घर में लगी हुई है सब्जी उसी का ही है। ऑर्गेनिक एक तो बहुत ही आपकी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एक बहुत जल्दी ये पक जाते हैं और इनमें केमिकल नहीं होता है, तो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखिए एक मैं ये भी तोड़ के लाई थी, मैंने पहले इसको पका रही थी लेकिन फिर ये मैंने सोचा दो करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं एक का ही बनाऊंगी क्योंकि ये दो ही लोग हैं खाने वाले, तो आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं हम दो हैं तो दो के हिसाब से एक बैंगन काफ़ी है, वो ही साथ में ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। तो देखिए बैंगन हमारा पक चुका है, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है और इसकी स्किन उतरने लग गई है। तो अब हम इसको एक इस तरह की प्लेट में रख देते हैं। और ये दो टमाटर हैं, टमाटर भी हम साथ के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। भुने हुए टमाटर से बहुत ही अच्छा भरता बनता है, तो इनको हल्का हल्का हम, तो टमाटर भी हमारे भून चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं इस तरह से और थोड़ा सा होने देते हैं ठंडा। इतने हम बना लेते हैं आटा, कई बच्चों को आटा भी बनाना नहीं आता है, तो मैं आज आपको आटा बनाने का बेहद आसान तरीका बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कपड़ा बिछा लेंगे और उस पे रखेंगे परात। अगर हम कपड़ा नहीं बिछाएंगे तो परात हमारी ख़राब होने का डर रहता है और घिस घिस के इसमें छेद भी हो सकता है। मेरी एक परात ऐसे ख़राब हो गई थी क्योंकि पहले सर्वेंट काम करते थे तो वो ध्यान नहीं देते थे, अकेले मार्बल या इस पे ग्रेनाइट पे चलाओ तो जो ऊंचा हिस्सा होता है परात का वो ज़्यादा लगता है, तो उससे परात में छेद हो गया। फिर ये मैंने पिछली बार नई परात ली थी। और ऐसे छलनी में आप आटा डालो, ये आटा है मेरा, मैं घर में गेहूं का पीसना करके और पिसवाती हूँ। गेहूं साल भर की इकट्ठी ले लेते हैं, आपको जितना चाहिए आप इसको छानो। छानने से क्या है कि कुछ भी फूस वगैरह या जो भी है बड़ी चीज़ वो निकल जाएगी। ये देखिए काफ़ी चीज़ें निकलती है, बिना छाना आटा कभी भी यूज़ मत कीजिए। और हल्का सा डालेंगे नमक, नमक से रोटी बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो हरदम डालती हूँ, हमेशा डालती हूँ, बिना नमक डाले मुझे अच्छी नहीं लगती, फीकी फीकी लगती है ये। चाहे आप चटनी के साथ खा लो, बहुत टेस्टी रोटी लगती है फिर। और हल्का सा लेंगे हम, अब थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया है तो थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे। तो ये गिलास में मैं पानी ले आई हूँ और एक बार थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसको मिला देंगे ऐसे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक साथ पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा आप ज़रूरत के हिसाब पानी डालते जाओ और इसको घुमाते जाओ। चाहे परात घुमा लो चाहे आटा घुमा लो, ना टाइट होना चाहिए और ना ही ढीला होना चाहिए रोटी के लिए आटा। बस इस तरह से आप घुमा घुमा के और बनाते जाओ। देखिए बहुत जल्दी हमारा आटा बन के हो गया है तैयार। और आपको ऐसा लगे कि हाथों के चिपक रहा है या कंफर्टेबल नहीं हो तो थोड़ा सा आप घी लगा सकते हैं, इससे आटे की पपड़ी भी नहीं आएगी और रोटियां भी बहुत अच्छी बनेगी।
ये देखिए, बहुत जल्दी आटा हमारा बन के तैयार हो गया है और अब हम इसको इस बाउल में रख देते हैं, सॉरी, और ऊपर से देते हैं ढक। रोटी बनाने से 10-15 मिनट आधा घंटा पहले आप आटा बना के रख लो, उसी टाइम नहीं बनाना। अगर उसी टाइम हम आटा बनाते हैं तो रोटी फट जाती है और रोटी की शेप भी अच्छी नहीं आती, और किनारे किनारे से भी आटे को फ्रिज में मत रखो। फ्रिज में रखा हुआ आटा कभी भी यूज मत करो, जितनी आपको जरूरत हो उसी टाइम आप बना लो आटा। आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं, मिक्सी में एक वो होता है, सिस्टम होता है, और अलग से भी आटा गूंदने की मशीनें आ गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हाथ से भी बना रहे हो या मशीन से भी बना रहे हो तो उतना ही आटा गूंदो जितने की आपको जरूरत है। चलो, ये तो हो गया आटे का काम, अब चलते हैं अपने बैंगन की तरफ। तो देखिए, बैंगन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब हम इसको छील लेते हैं। आराम से ये छिलका आराम से उतर जाएगा। देखो, मैंने तेल लगा दिया था ना, तो इसको मैं छील लेती हूँ, टमाटर को भी और बैंगन को भी। छिलका मैंने उतार लिया है और ये इसकी जो पीछे की है इसको मैंने काट दिया है, इसको अलग कर देते हैं। और इसको भी अब उठा के हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो इसमें मैंने मिर्च और लहसुन लगाया था उसको भी निकाल लिया है और टमाटर को भी अलग कर लिया है। तो अभी हम इसको मैश करेंगे, तो आप जैसे इस तरह का कोई मैशर है उससे मैश कर लो, लेकिन आप मिक्सी से मत पीसना, वो तो फिर हलवा जैसा बन जाएगा। तो इसमें कुछ नज़र आना चाहिए, बैंगन का कुछ पीसीज नज़र आने चाहिए, तो ऐसे हल्के हल्के मैश कर लो। और अब हम तैयार करते हैं फिर इसका तड़का। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया। सरसों के तेल में भरता बहुत टेस्टी बनता है। रिफाइंड ऑयल तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। ये राई डाल दी है और ये डाल दिया है तेज़पत्ता। रिफाइंड तो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, जो पता नहीं कितने ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको पकाया जाता है। ये डाल दिए हैं जीकोरी पत्ता और ये डाल दिए हैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने इसके अंदर डाली थी, तो इन सबको एक साथ पका लेते हैं। फिर कुछ मसाले और डालेंगे हम। तो प्याज हमारे भुन चुके हैं, ये वाले मसाले, अब थोड़े हम ये वाले मसाले डालेंगे जिसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी है। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार डाल लो और ये थोड़ी सी देर इसको पका लेंगे। मैं ट्राईपोड नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही मोबाइल पकड़ के और कर रही हूँ। और अभी हम डाल देंगे भुनी हुई टमाटर। देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं और अब हम डाल देंगे अपना बैंगन। बस इसको हिलाई मिलाएंगे और 3-4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। आप चाहो तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हो, आप अगर थोड़ा खट्टा खाना चाहते हो तो। अगर कई लोग टमाटर नहीं डालते हैं तो अमचूर डाल सकते हो आप, और बाकी जो आप मसाले डालते हैं। थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे इसमें, अभी थोड़ा सा पक जाएगी। देखिए, भरते को बनते 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है बैंगन का भरता, और इसको हम गार्निश करेंगे धनिए से। बहुत ही टेस्टी भरता बन के तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरह से बना के जरूर देखना, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये मैंने तेज पत्ता डाला था इसको आप लास्ट में निकाल देना, बस इसको साइड में कर देना। अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अभी जब हम सर्व करेंगे तब इसको हम निकाल देंगे। तो ये हो गया है जी बैंगन का भरता तैयार, बिल्कुल 5 मिनट में। बीच में आटा बनाना भी आपको सिखा दिया, और गैस कर देते हैं बंद और ढक देते हैं इसको। धन्यवाद।